जी जय प्रश्न संख्या 41 भाजपा के एक सांसद थे ओके प्रकार का भाषा का ओके ओके संसदीय बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी अध्यक्ष महोदय जी हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ सदन में नहीं था कल मैं राज्यसभा में गए थे जब आया तो ये घटना हुई प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको पूरी बात पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ओके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया किसने किया बोला मैं इसमें नहीं जा रहा हूं मैं इतने कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगिरी 9 यस मेरी रूलिंग सुनो एक सुनो मेरी रूलिंग अब रूलिंग दे रहा हूं मैं बैठो क्वेश्चन नंबर 41 बैठिए 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 पहले इनको तो बिठाओ प्लीज बैठिए प्लीज 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 बैठिए 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 41 माननीय सदस्यगण इस सदन की बहुत मर्यादा है कुछ परंपरा रही है परपाटी रही है हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है मेरा सभी लोगों से आग्रह है चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें चर्चा में भाग लें मर्यादा रखें कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी हैं हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने प्रपाट बने लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया मर्यादा को बढ़ाया इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरीके की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी मैं सभी माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें एक और आग्रह करूंगा कि मैं
फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह करता हूं, और हम जितना आसन का सदन की गरिमा रखेंगे उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं। मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया फिर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया ठीक है। ओके ओके ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 41।